बिहारी किचन में आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। इसका बनाना बहुत ही आसान है, चल के देखते हैं कैसे बनाया जाता है। उसमें एक चम्मच घी डाल लेंगे, नहीं तो बटर भी डाल सकते हैं। फिर उसमें हम दो चम्मच यहाँ पे मैदा ऐड करेंगे। इसे अच्छे तरीके से हम भूंजेंगे सोंधा होने के लिए। इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे एक एक दो मिनट हम भूंज लेंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो रहा है। आप इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजें। भूंजने से एक अच्छा ही टेस्ट आ जाता है पास्ता में। दूध डाल डाल के हम इसमें पेस्ट को अच्छे तरीके से पतला पेस्ट बनाएंगे। चारों तरफ से हम मिलाएंगे इसे, एक ही डायरेक्शन में हम इसे घुमाएंगे। इसमें हम थोड़ा और दूध डालेंगे इसमें हम इसे मिला लेंगे, पतला कर लेंगे। इसमें हम गुड़ की पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। फिर इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसे मिलाएंगे अच्छे तरीके से। फिर इसमें पास्ता ऐड करेंगे, इसे मिला लेंगे। ओरिगानो डालेंगे आधा चम्मच, इसे मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट आया है, इसमें लुक आया है। यहाँ पे कितना टेस्टी पास्ता बनके रेडी हो चुका है। एक बार आप जरूर ट्राई करिए इस तरीके से बनाने, और बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। आप जरूर पसंद करेंगे, एक बार जरूर बनाएं।